नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गरिमा में समारोह के स्तंभ कहूंगा डॉक्टर नॉर्मल चंद्र बोहरा जी मंच पर उपस्थित वर्ल्ड बैंक नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख माननीय अनिल सिन्हा जी जिनका भाव बिना सत्कार हुआ डॉक्टर नॉर्मल बोहरा जी के गुरु डॉक्टर जी के आहुजा जी डॉक्टर बर्मन जी एक्स प्रेसिडेंट साहित्य संस्था माननीय डेका जी पद्मश्री एली अहमद जी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे असम के प्रफुल्ल कुमार महंता जी उत्पल दत्ता जी विधायक हैदर हुसैन जी एडिटर हैं प्रतिदिन के और माननीय अर्णव मुखर्जी और सुष्मिता सरकार उपस्थित सभी डॉक्टर्स निमंत्रित मेहमान सज्जन और देवियों ये कोई साधारण और छोटा फंक्शन नहीं मैं तो कहूंगा राष्ट्र के लिए आज एक दिशा देने का एक नई दिशा देने का ये कार्यक्रम है आज समय की पुकार है हमारा भारत की परिस्थिति क्या है आपने देखा होगा हमारा राष्ट्रीय पक्षी मयूर है मोर और मोर जब नाचता है वर्षा ऋतु में कितना सुंदर लगता है उसके पंख कितने रंग बिरंगे बहुत ही सुंदर और गौरव भी होता है परंतु वही मोर जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में से दो आंसू गिर जाते हैं क्योंकि उसके पैर अगली होते हैं बाकी सब सुंदर होता है वही परिस्थिति हमारे देश की है बहुत उपलब्धियां हैं गिनाने के लिए पर जैसा कि अनिल सिन्हा जी ने अपने भाषण में बताया हेल्थ हमारे यहाँ का नेग्लेक्टेड है चारों तरफ से गवर्नमेंट भी अपना काम नहीं पूरा कर पा रही सोसाइटी भी नहीं कर पा रही गरीबी है 1/3 तो लोग हमारे यहाँ के कंट्री के कितने भी हम बोस्ट करें अशिक्षित है गरीबी रेखा के नीचे है उनका तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं मैं तो महाराष्ट्र से आया हूं करीब 1 साल पूरा होने को हुआ मुझे मेरा कार्यक्षेत्र पूरा महाराष्ट्र है नागपुर सेंट्रल इंडिया वहीं से मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहा नागपुर की जनता ने तो मुझे प्रेम खूब दिया 2 बार एमएलए बनाया मिनिस्टर बनाया 3 बार पार्लियामेंट में भेजा आखिर गवर्नर बना के मुझे विदाई कर दी वहां से यहाँ भेज दिया नॉर्थ ईस्ट की इमेज वहां पर भाई पिछड़ा हुआ है ये इमेज पर ये मालूम नहीं है कि डॉक्टर
नॉर्मल बोरा जैसे रत्न भी यहाँ पर छुपे हुए हैं, ये किसी को मालूम नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू रियली, कल्पना ही नहीं थी। थैंक्स टू यू बोथ ऑफ यू, यू हैव रिटन दिस वंडरफुल बुक। पढ़ा मैंने पूरा, पढ़ा मतलब एक पेज से लेके आखिर तक बीच में छोड़ा नहीं, जैसे सिनेमा आंखों के सामने से जा रहा है। टोटल कमांड ऑन द लैंग्वेज, एवरी थिंग्स रिटन सो वेल, एक से एक घटना अपने आप। उन्नीस सौ पचास में जन्म, छोटे से गांव, गांव में मार्जिनल फार्मर के घर में, कैसे भी पाल पोस के बड़ा किया, चलना सिखाया उंगली पकड़ के, प्राइमरी स्कूल में डाला, बाद में प्राइमरी के बाद में स्कूल नहीं, 8-10 किलोमीटर दूर जाओ तो वो भी अफोर्ड किया, वहां भी गए, वहां से फिर हाई स्कूल जाना है और डिफिकल्ट मामला, हायर सेकेंडरी करना है उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट, रहने को जगह नहीं, खाने को हिसाब नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, उसी ठाट से पर लगन धुन बनना है। सही में माँ की हालत देख के लगा होगा, काश मैं डॉक्टर होता, मेरी माँ को तकलीफ में नहीं रहने देता। उनमें एक छुपी हुई भावना हमने आई, बट देन सी द डेडिकेशन, डॉक्टर बनना है बनना है, क्वालिफाइड है, मेरिट पे आना है आना है, मेरिट से एडमिशन होना है, दिल्ली जाना है, एम्स में जिस भी हालत में रहना है। व्हाट ए स्ट्रगल, व्हाट ए स्ट्रगल ऑफ द लाइफ, व्हाट एवर आई एम कोटिंग दैट इज फ्रॉम योर बुक, आई हैव रेड ईच एंड एवरी वर्ड, छोड़ ही नहीं सका ना, इट इज सो वेल रिटन, सो वेल रिटन, वंडरफुल, पढ़ने लायक और इंस्पिरेशन है, इवन फॉर द डॉक्टर्स, फॉर एवरीबडी। आवर डॉक्टर्स नॉर्मल बोरा इज रियली ए रोल मॉडल फॉर द यूथ्स ऑफ आसाम, फॉर द यूथ्स ऑफ आसाम, टोटल डेडिकेशन। महात्मा गांधी कहते थे, याद है मुझे, कई बार जिंदगी में प्रसंग आते हैं, दो रास्ते दिखते हैं, आदमी डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं इस रास्ते से जाऊं कि इस रास्ते से जाऊं। उस दहलीज पर डॉक्टर बोरा खड़े हुए थे, महात्मा गांधी ने उसका उत्तर दिया, यदि ऐसी परिस्थिति में यदि तुम आ जाओ तो इस देश के सबसे गरीब को अपनी नजर के सामने करना, और दोनों में से जिस रास्ते से जाने से उसका भला होता है उस रास्ते पे बेधड़क चले जाना, किसी को पूछना नहीं। महात्मा गांधी ने उसका उत्तर दिया। डॉक्टर बोरा के सामने भी एक स्टेज आई, एक स्टेज आई, एंटाइसमेंट था फॉरेन कंट्रीज का, वहां जाते अरबों खरबों में खेलते, पैसे का कोई कमी नहीं रहता। इंडियन डॉक्टर था, सो वेल ऑफ देयर, दे आर मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, वो भी एक रास्ता था, और या फिर इंडिया में रह के जन सामान्य के साथ में मिलना, गोर गरीबों की सेवा करना, दीन बंधु कहलाना। इन्होंने कहा मैं तो दीन बंधु बनूंगा, मुझे उसका कोई मतलब नहीं, और यहां मैदान में हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्टर्न सेवा के लिए नहीं करते। ये एक जीवन है, और वहां से फिर अफोर्डेबल। ये आज तो इनॉग्रेशन किया है, पर आप तो पूरी जिंदगी भर
जब से कैरियर शुरू किया है, प्रैक्टिस शुरू की है, तब से आप तो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे ही रहे हो. ये तो फॉर्मल इनॉग्रेशन आफ्टर सो मेनी इयर्स टुडे आई हैव डन इन, आई एम लकी टू से कि आज मुझे मौका मिला है. हाईएस्ट एथिक्स ऑफ जो भी हाईएस्ट एथिक्स है मानव मात्र में होने चाहिए, उनका पूरे तंत्र तंत्र जीवन में पालन करने वाले, इनका जीवन पढ़ने के बाद में कई प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हो जाते हैं. आपका एक ब्लॉग मैंने पढ़ा, आपने खंड व्यक्त किया कि 63% मेडिकल एजुकेशन महाराष्ट्र में है, केरला में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, उधर है. दैट इज द एजुकेशन. वो एजुकेशन कोई मतलब का नहीं. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चंदा करोड़ों रुपए लेते हैं, एमडी के लिए डेढ़ डेढ़ दो दो करोड़ रुपए लेते हैं. वो डॉक्टर क्या भला करेंगे सोसाइटी का? वैसा नहीं होना, अपना तो अपने रास्ते चलना है, उनकी नकल करने की कोई जरूरत नहीं. वहाँ सेवा भाव नहीं है. डेढ़ करोड़ रुपया देके जो एमडी करेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या सेवा कर सकता है? वो तो पैसा कमाने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिस, अनएथिकल अनएथिकल दैट हैज टू बी स्टॉप्ड एट एनी कॉस्ट. मैं तो कहूंगा कि सिस्टम हैज टू बी रिवाइज. कितना बड़ा स्ट्रगल, मतलब हिज हॉस्पिटल फिलोथ्रोपिस्ट जनता की सेवा फ्री करना चाह रहे, उसके लिए एक हॉस्पिटल बनाना, उसके लिए दर दर भटकना, और उसके लिए भी मेहरबानी यदि होती है तो 12% इंटरेस्ट. 12% इंटरेस्ट पे कर्जा देना, वो तो एक उद्योग को देते हो, अंबानी को देते हो, दूसरे को देते हो, जो कि करोड़ों अरबों कमाएगा उनके लिए. अरे यहां तो गरीबों की सेवा करने वाले, उनसे तुम इंटरेस्ट लेते हो. पॉलिसी इज रॉन्ग, दैट हैज टू बी रिवाइज एट द हाईएस्ट लेवल. और कुछ दो तीन पॉइंट मैंने नोट किए हैं, आई विल डायरेक्टली कन्वे दीज थिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. बहुत यहां पर जरूरत है. जिस तरीके से आपने किया है, पूरा स्ट्रगल का लाइफ है, पूरा पैसा बचा है. इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना मैक्सिमम सेविंग हो, बिल्डिंग में जितना सेविंग हो उतना हो किया है. और अब जरूरत है आपको नेक्स्ट लाइन तैयार करने की. वो कमी हर जगह है. उतने डेडिकेटेड लोग मिले तो डॉक्टर हो जाए. उनको तो नॉर्मल बोरा मिल गए, वैसा ही आप भी ढूंढो, अभी से तैयार करो, ग्रूम करो. है नॉट वन बट डजन्स ऑफ यू नीड नॉर्थ ईस्ट की सेवा करना. कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है न्यूरोलॉजी. डॉक्टर का पैसा पवित्र पैसा है. सही माने में सोसाइटी में डॉक्टर का अलग स्थान है. जब ठीक होके जाता है तो भूलता है. यदि भगवान के बाद में कोई दूसरा नंबर है तो इस डॉक्टर का है, जिसने मेरी जान बचाई. कितना बड़ा सम्मान. वहां अनएथिकल कुछ होना नहीं चाहिए. मेडिसिन अभी तो बंद हुआ है, चीपेस्ट मेडिसिन मिले प्रयत्न किया है डॉक्टर साहब ने. नॉर्मल आपका नाम तो है, मैं तो डिक्लेयर करूंगा यू आर निर्मल, एकदम निर्मल. निर्मल मन, निर्मल तन, निर्मल व्यवहार, सब कुछ. बहुत कुछ करना है. रोल मॉडल बने, किताब आपकी अच्छी है. मैं तो ये कहूंगा सोसाइटी में से डोनर तैयार हूं, कॉस्ट प्राइस पे पूरे नॉर्थ ईस्ट के हर कॉलेज के बच्चे के हाथ में ये मिले, कॉलेज के बच्चे के हाथ में मिले, इस दिशा में प्रयत्न में करिए. हजारों मिलेंगे डोनर, बांटिए, एक एक हजार किताब के डोनर तैयार होंगे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में. मैं भाषण देता हूँ ना,
अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर, मैंने कम से कम भी बात किया पब्लिशर से, विंग्स ऑफ फायर क्या है। मैंने कहा चलो 50% डिस्काउंट दो, मैं स्टूडेंट को देना चाहता हूँ। एग्री। नागपुर के सेंट्रल इंडिया के कॉलेजेस में मैंने 10,000 किताबें विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम, उसी पैटर्न पे ये होप डन इन द ईस्ट। बस बस मटवाइए, डोनर मिल जाएंगे, कमी नहीं है। पर डॉक्टर साहब इसके लिए चिंता मत करिए, खुद के लिए मांगने में विचार होता है, पर इस पवित्र काम के लिए अच्छे रिच पेशेंट आते हैं, कोई भी आते हैं, बोलिए 1,000 किताब बांटना है 50% प्राइस पे, एवरी नो बडी विल से नो टू यू। बहुत बड़ी सेवा होगी, यूथ मोबिलाइज होगा, संस्कार यूथ में गिरेंगे, रोल मॉडल करके यूथ जब आपकी तरफ देखने लगेगा निश्चय ही समाज में परिवर्तन आएगा। हमें ही प्रयत्न करने पड़ेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाना है, अब्दुल कलाम जी का सपना था। अब विश्व गुरु बनाना है तो ऊपर से फरिश्ते नहीं आएंगे, आपको हमको सबको मिलकर करना होगा। इस दिशा में प्रयत्नों की सुबह मार्गदर्शक हैं, कहीं कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब और नॉर्मल बोरा जी, पर इनके साथ है एक विजन, दैट इज मोर देन एनफ टू चेंज योर माइंडसेट एंड एवरीथिंग, यू विल बी प्योर। लगेगा डॉक्टर को भी लगेगा, तो आपका पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए, मैं भी इतना ही क्लीन रहूं, जिस तरह से नॉर्मल बोरा जी है इनके साथ है। करिए प्रयत्न करिए, हम सब मिलकर नई क्रांति हो, देश को सुधारें, भारत को आगे ले जाएं, इनके सपने के साकार करने में सभी सहभागी हों। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत जरूरी है ऐसे हॉस्पिटल, हर दृष्टि में मैं आह्वान करूंगा देश के आवाम कि ऐसी संस्थाएं कम होती हैं। टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल डेडिकेशन, पूरी टीम का डेडिकेशन कहाँ मिलते हैं। इनको पूरी ताकत से, तन मन धन से इनको मदद लेना चाहिए। मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है, बिलगेट दुनिया भर में पैसे बांटते हैं, यहाँ क्यों नहीं बांटे? शायद अप्रोच बराबर नहीं रहा होगा, है एप्रिशिएशन करके भेज दिया, दैट इज नॉट एनफ। समबडी शुड अप्रोच, आप बॉम्बे में रहते हो, यू कैन अप्रोच टेल गेट गो थ्रू दिस बुक, बिलगेट का मन बदलेगा, वो भी काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, अपने साथ जुड़ेगा। मैं जानता हूँ उनके काम देखे हैं, आप इस दिशा में प्रयत्न करें। आज के शुभ अवसर पर डॉक्टर साहब और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारे से, सबसे ज़्यादा खुशी तो डॉक्टर आहूजा को हो रही होगी कि उनके एक शिष्य कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं और जनता का कितना काम कर रहे हैं। वैसे ही आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहा, बड़े प्यार से आपने सब स्वागत किया, परंतु मैंने जो बात कही है उन बातों पर ध्यान रखिए। सस्ती दवाइयाँ, सस्ता इलाज शुरू कर दिया, डॉक्टर साहब ने आह्वान दे दिया है, होगा गाँव में जा जा के कर रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं, डॉक्टर पहुँच रहे हैं, डॉक्टर अपना नॉर्मल बोरा जी की टीम के सदस्य बन जाइए, एक्टिव हो तो एक्टिव बनिए, स्लीपिंग पार्टनर है तो स्लीपिंग पार्टनर बनिए, नहीं तो शुभकामनाएं टोटल साथ में रहने दीजिए। आशीर्वाद मन से निकला है उसका बहुत असर होता है, हजारों गरीबों का आशीर्वाद मिला है, इसलिए आपके हाथ में यश है, भगवान अपने आप यश देता है, सभी ठीक होते हैं, भीड़ बढ़ेगी और बढ़ेगी, गरीबों की सेवा आपके माध्यम से हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूर्ण रूप से यशस्वी हो, आपकी कीर्ति चारों तरफ, और आपके हाथों से दीन दुखी गरीब उनके दुख हमेशा दर्द होते रहे, आपके दरवाजे पर आए और हंसते हुए जाए, यही शुभकामना देते हुए मेरे शब्दों में विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।